तो ये हमारा देखिए बैंगन मसाला की रेसिपी बन के तैयार है। उसके ग्रेवी देखिए, इसके जो मसाले हैं। तो बैंगन मसाला बनाने के लिए हमने इस प्रकार के शेप का बैंगन लिया है, 5 बैंगन हमने लिया है। तो सारे बैंगन को हम बीच से इस प्रकार से हम चीरा लगा देंगे और इसे देख लेंगे इसमें कीड़े हैं कि नहीं। बहुत बैंगन सारे निकलते हैं। तो इसी प्रकार से हमने सारे बैंगन को चीरा लगा के देख लिया है। तो बैंगन के मसाले को आप अलग अलग शेप में भी बना सकते हैं। हमने इस प्रकार के शेप में इसे बनाया है। तो हमने फाइनली सारे बैंगन को इस प्रकार से काट लिया है। तो हमारा एक बैंगन सारा निकला था तो हमने निकाल दिया उसे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और बैंगन को पहले फ्राई कर लेंगे। इसे लगभग 70 से 80% तक हम पका लेंगे। उसके बाद हम जो बचेगा मसाले में पकाएंगे। तो इसे हम कवर करके पकाएंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे और बीच बीच में इसे देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा सॉफ्ट हो रहा है हमारा बैंगन। तो फिर हम इसे कवर करके और पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा बैंगन कितने अच्छे से पक रहा है। तो अब हम हमारा बैंगन ये फाइनली पक चुका है, तब हम इसे फाइनली निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा लगभग बैंगन पक चुका है और थोड़ी बहुत जो है वो मसाला में पकेंगे। तो इसका मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए हमने इसी तेल में थोड़ी सी जीरा डाला है और हरी मिर्च, और इसे थोड़ी सी हम चला लेंगे। तो इसे चलाने के बाद हम इसमें अब प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने एक मीडियम साइज का लिया था। तो आपको प्याज ज़्यादा कम पसंद हो तो आप कम हिसाब से, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने अदरक डाला है, अदरक हमने 1/2 इंच के आसपास। अब मसाले ऐड करेंगे, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी गर्म मसाला। सारे मसाले को हमने 1/2 चम्मच से कम, बिल्कुल इस रेसिपी को हम बिल्कुल कम मसाले में बनाएंगे, हम ज़्यादा मसाला यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। और थोड़ी सी पानी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा। तो ये देखिए हमारा मसाला भुन रहा है। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी हमने एक मीडियम साइज का लिया था, बिल्कुल पका हुआ टमाटर है। तो इसके बाद जो ग्रेवी तैयार होगी बहुत ही शानदार और बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम यहाँ पे हरी धनिया थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, ये आपके पास हो तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं है। थोड़ी सी और हम यहाँ पे पानी डाल देंगे क्योंकि हमें बैंगन को पकाना है। तो थोड़ी सी हम पानी डाल के इसे थोड़ी सी हम चला लेंगे। अब हम इसमें बैंगन को ऐड करेंगे। तो इसी प्रकार से एक एक करके हमने सारे बैंगन को यहाँ पर ऐड किया है इसे। तो इसे डाल के हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। इसके बीच में भी मसाले थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। तो अब हम इसे कवर करके पका लेंगे। तो ये देखिए, और बीच बीच में आप इसमें इसे भी चलाते रहें ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। और इसे लो टू मीडियम पे पकाएंगे, ज़्यादा हम फ्लेम को तेज नहीं करेंगे। एक बार फिर से हमने कवर किया है। तो ये देखिए हमारा फाइनली बैंगन मसाला की रेसिपी बन के तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए है ना कितना अच्छा इसका ये मसाला दिख रहा है बैंगन के ऊपर से, ये जो इसका गाढ़ा मसाला है और टमाटर प्याज का जो मिश्रण से ये बना है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको देख के भूख लग गई होगी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं, इस बैंगन साबुत बैंगन के मसाले की रेसिपी को। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी देखिए कितना अच्छा इसका मसाला तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।
फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।